वायरस, वायराइड और प्रियांस का कंपरेटिव स्टडी करेंगे। तो चलिए, हम लोग पिछले वीडियो में जान चुके हैं कि वायरस की खोज इवानोवस्की ने किया था। इसमें न्यूक्लिक एसिड या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा, इसमें प्रोटीन कोड पाया जाता है। ये क्या बोलते हैं, प्लांट सेल को या एनिमल सेल या बैक्टीरियल सेल, ये किसी भी सेल को ये इन्फेक्ट कर सकता है वायरस। बट वायराइड में क्या होता है, ये केवल क्या होता है, आरएनए का एक छोटा पार्ट होता है जो कि सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। इसमें ओनली आरएनए पाया जाता है, इसमें कोई प्रोटीन कोट नहीं पाया जाता है। ये सिर्फ क्या होता है कि ये प्लांट सेल को इन्फेक्ट करता है। और इसकी खोज टियो डेनर ने किया था। और प्रियॉन्स क्या होता है, प्रियॉन्स की खोज स्टैनले वी प्रूसिनर ने किया था। और इसमें केवल प्रोटीन पाया जाता है, इसमें कोई न्यूक्लिक एसिड नहीं पाया जाता है। ये क्या होता है, ये एनिमल सेल को इन्फेक्ट करता है। और इसमें इसको हम लोग स्लो वायरसेस के भी नाम से जानते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। वायरस, वायराइड और प्रियॉन्स। वायरस, वायरसेस, वायराइड, प्रियॉन्स, वायरस, वायराइड और प्रियॉन्स। इसमें क्या होगा, इसकी खोज इवानोवस्की इवानोवस्की ने किया था। इसका क्या होगा, टीओ डीएनआर ने किए थे। और इसका प्रियॉन्स का स्टैनले बी प्रूसिनर ने किए थे। तो वायरस की खोज इवानोवस्की ने किए थे, और वायराइड के टीओ डेनर ने, और प्रियॉन्स का क्या होगा, स्टैनले बी प्रूसिनर ने किए थे। और इसका जो सेकेंड पॉइंट होगा, इसमें क्या होगा, प्रोटीन कोड पाया जाता है। इसमें प्रोटीन कोड नहीं पाया जाता है, नो प्रोटीन कोड। इसमें ओनली प्रोटीन पाया जाता है, ओनली प्रोटीन। तो इसमें क्या होगा, वायरस में प्रोटीन कोड पाया जाता है, वायराइड में प्रोटीन पाया ही नहीं जाता है, कोई प्रोटीन कोड नहीं पाया जाता है, और जो प्रियॉन्स होता है इसमें ओनली प्रोटीन पाया जाता है। थर्ड पॉइंट होगा इसका, इसमें न्यूक्लिक एसिड या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, दोनों कभी एक साथ नहीं पाया जाएगा। इसमें क्या होता है, इसमें ओनली आरएनए पाया जाता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। इसमें न्यूक्लिक एसिड पाया ही नहीं जाता है, नो न्यूक्लिक एसिड। इसमें क्या होता है, वायरस में न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, या तो डीएनए होगा या तो आरएनए, और वायराइड्स में ओनली आरएनए पाया जाता है, और इसमें प्रियॉन्स में क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड पाया ही नहीं जाता है। इसका नेक्स्ट पॉइंट, इसका ये क्या होता है,
ये प्लांट सेल को भी इन्फेक्ट कर सकता है, एनिमल सेल को भी इन्फेक्ट कर सकता है, बैक्टीरियल सेल को भी इन्फेक्ट कर सकता है, ये किसी भी सेल को इन्फेक्ट कर सकता है, प्लांट एनिमल बैक्टीरियल सेल को भी इन्फेक्ट कर सकता है। और जो वायराइड होता है ये ओनली प्लांट सेल को इन्फेक्ट कर सकता है, ओनली प्लांट वायरसेस, ओनली प्लांट वायरसेस। और ये जो होता है प्रियॉन्स, इसमें क्या होता है, सिर्फ एनिमल सेल को इन्फेक्ट कर सकता है, यानी ओनली एनिमल वायरसेस, एनिमल वायरसेस, एनिमल वायरसेस। इसी को प्रियॉन्स को हम लोग स्लो वायरसेस के नाम से भी जानते हैं, आल्सो नोन एज, आल्सो नोन एज स्लो वायरसेस, स्लो वायरसेस। प्रियॉन्स को हम लोग स्लो वायरसेस के नाम से भी जानते हैं। वायराइड्स में इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल होगा पोटैटो, पोटैटो ट्यूबर, स्पिंडल, स्पिंडल डिजीज, इसको हम लोग PTSD के भी नाम से जानते हैं। तो इसमें क्या हुआ, वायरस, वायरस में वायरस की खोज इवानोवस्की ने किया था। इसमें प्रोटीन कोट और न्यूक्लिक एसिड या तो DNA या तो RNA होगा। ये प्लांट एनिमल बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट कर सकता है। वायराइड्स में क्या होता है, इसमें TU-DNL ने इसकी डिस्कवरी की थी। इसमें कोई प्रोटीन कोट नहीं पाया जाता है और इसमें ओनली RNA होता है। ये केवल प्लांट सेल को ही इन्फेक्ट कर सकता है। इसका जो एग्जाम्पल होगा पोटैटो ट्यूबर स्पिंडल डिजीज, जो कि PTSD के नाम से भी जानते हैं। और प्रियॉन्स जो होगा स्टैनले वी प्रूशिनल ने इसकी डिस्कवरी की थी। इसमें ओनली प्रोटीन पाया जाता है, इसमें कोई न्यूक्लिक एसिड नहीं पाया जाता है। ये ओनली क्या होता है, एनिमल सेल को इन्फेक्ट करता है। इस प्रियॉन्स को हम लोग स्लो वायरसेस के भी नाम से जानते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।